उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए और बिल जो लाया गया है उसके विशेषताओं को भी उल्लेखित किए हैं। एकाध दो सदस्यों ने समर्थन करते हुए थोड़ी सी चिंता व्यक्त की है, उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। FCRA एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है, इसको महत्व देने की जरूरत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन या राजनैतिक और सामाजिक विमर्श पर हावी न हो जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी हर प्रकार से भारत को सुरक्षित और मजबूत रखना चाहते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की हर व्यवस्थाओं में स्वच्छता लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसके लिए हर क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाए जा रहा है, उसके साथ साथ FCRA में भी पारदर्शिता हो, इसका सही उपयोग हो, इसको ख्याल रखते हुए यह संशोधन प्रस्तावित है। भारतीय सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुखता भी है, विशेषता भी है, आत्मनिर्भर भारत के लिए यह जरूरी भी है। अध्यक्ष सभापति उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमेशा आग्रह करते रहते हैं, उनका आग्रह होता है कि NGO समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना योगदान दे, विदेशी अविधायक के व्यय में पारदर्शिता लाना और सही उद्देश्यों और जिस कार्य हेतु विदेशी अविधायक प्राप्त किया जाता है उसी उद्देश्यों के कार्य में यह व्यय हो, जो इसमें संशोधन प्रस्तावित है उसके विषय में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, लोक सेवक को जोड़ा जा रहा है, जिस पर कई माननीय सदस्यों ने बड़ी अस्पष्टता से अपनी बात रखी है। पहले भी लोक सेवक की जो परिभाषा है उस परिभाषा में पहले भी लोक सेवक का एक पार्ट इसमें समाहित था, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो छूट जा रहे थे उसका इसमें समावेश किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत परिभाषित शब्द लोक सेवक को FCRA 2010 की धारा 3(1)(ग) में जोड़े जाने का प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव उपसभापति महोदय, जो विदेशी अविधाय है को एक इकाई या गैर सरकारी संगठन से दूसरे संगठनों में हस्तांतरित किए जाने को वर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि उसका दुरुपयोग और विचलन रोका जा सके। उपसभापति महोदय, होता यह था कि जो संस्था विदेशी अविधाय प्राप्त करती थी तो उसका जो प्रोजेक्ट जमा करती थी और जिस कार्य के लिए लेती थी वह दूसरे संस्थानों में हस्तांतरित करने से वह अपने मूल कार्यों से भटक जाया करता था। उसका जैसा अरुण सिंह जी बता रहे थे कि ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल होता और वह पैसा अंत तक कहां तक चला जाता था, जिसका बहुत चिंता सरकार को होती रही है। इसी सदन में महोदय, इसी राज्यसभा में 19 अगस्त 1910 को जब यह विधेयक लाया गया था तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय चिदंबरम साहब ने एक चिंता व्यक्त की थी, मैं उन्हीं की शब्दों को मैं यहां बोल रहा हूं। चिदंबरम साहब की जो चिंता थी वह यह थी
और उन्होंने जिसको व्यक्त किया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मैंने इस अधिनियम की समीक्षा की तो यह देखा गया कि संगठन विदेशी अंशदान की सूचना नहीं देते हैं, वे लेखा फाइल भी नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां हो रही है। उन्होंने तो इतना तक कहा कि जो राशि प्राप्त उस समय की जा रही थी वह लगभग 20,000 करोड़ का था, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 20,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ राशि कहां गई, कहां खर्च हुआ, उसका न कोई लेखा जोखा था न कोई अता पता था। इसलिए उस समय भी संशोधन पे बिल लाने पे जोर दिया गया था, और उस समय 2010 में जब यह बिल लाया गया था तो बहुत ही पक्ष और विपक्ष ने इस पर एक अच्छी चर्चा कर, एक सकारात्मक चर्चा कर इस विधेयक को पारित किया था। और उसके बाद समय के अनुसार और संगठनों के गतिविधियों के अनुसार कुछ आवश्यकताएं जब महसूस होती है तब कुछ संशोधन आवश्यक हो जाता है। उसी आवश्यकता के महसूस होने के कारण यह संशोधन प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, धारा 8A को संशोधित करते हुए प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यकलापों पर स्वीकृत व्यय की उच्चतम सीमा को 1 वर्ष में प्राप्त कुल विदेशी अविधाय के 50% से घटाकर 20% किया जाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम निधियां इकाई के मुख्य कार्यकलापों के लिए उपलब्ध हो और अधिक वेतन, भव्य इमारत, कार्यालयों, आलीशान वाहनों आदि के निधियों में उपलब्धता कम की जा सके। जब यह चर्चा हो रही थी तो उस समय भी सदन में कई माननीय सदस्यों ने 50% का जब प्रस्ताव आया था तो उन लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें प्रशांत चटर्जी जी जो वेस्ट बंगाल से आते थे, राज्यसभा के माननीय सदस्य थे, रुद्र माधव रे लोकसभा के सदस्य थे, प्रबोध पांडा जी जो उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से आते थे, उस समय सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि 50% की व्यय राशि जो प्रशासनिक कार्यकलापों पर होना है उसमें कमी की जाए। कई लोगों ने तो 10% का भी विचार व्यक्त किया था, प्रस्ताव लाने की इच्छा व्यक्त की थी। अभी माननीय सदस्य बालकृष्णन जी इस पे चिंता उन्होंने जो व्यक्त की है, निश्चित रूप से उस पर हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह खर्च व्यय कम करने से जॉब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ज्यादा रोजगार सृजित होंगे, और दूसरा उन्होंने जो चिंता व्यक्त की कि इससे भय पैदा होगा, ना यह विधेयक एनजीओ के खिलाफ है, ना इससे कोई भय पैदा ही होगा, ना इसके माध्यम से किसी को भय करने की जरूरत है। यह भी सही है कि बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ हैं और अच्छे अच्छे मानवता के पक्ष में काम करते हैं, रचनात्मक कामों में पैसों का व्यय करते हैं, कई अच्छे अच्छे परिणाम इस देश के हित में और देशवासियों के हित में दिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जब यह संशोधन है अच्छे एनजीओ के हित में है, उसके सहयोग के लिए है, ताकि जब उसके सामने यह बात आती थी कि एक एनजीओ ऐसा है जो कुछ ना करके भी अंशदान प्राप्त करता है, विदेशी अविधाय प्राप्त करता है, तो उस वह भी बाधित कहीं से होता नहीं है, उसको भी रोका नहीं जाता है, तो उसके मन में कहीं न कहीं उसके भाव में यह बात चोट करती थी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विदेशी अविधाय प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अग्रिम अनुमति लेने वाले किसी इकाई के बैंक खाते को तत्काल फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है।
जिन मामलों में अधिनियम का उल्लंघन देखा जाता है और आगे अधिक उल्लंघन रोकने के लिए तात्कालीन उपायों की जरूरत होती है। एक संक्षिप्त जांच के बाद ऐसे गैर सरकारी संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने में केंद्र सरकार सक्षम बने, इसलिए धारा 11(2) के तहत एक संशोधन प्रस्तावित है। एक प्राप्तकर्ता इकाई के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐसा प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत पहले ही से मौजूद है, जिस मामले में इकाई ने केंद्र सरकार को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया है। एक व्यवस्था जो पेरर अनुमति लेकर जो होती है अग्रिम अनुमति, उसको बैंक फ्रीज करना जरूरी होता है। जब उसमें कानून को तोड़ता है, उसमें अनियमितता आ जाती है, वह कहीं ना कहीं से अपने FCRA के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके कई प्रकार की जांच की प्रक्रिया और के लिए बैंक को बिना फ्रीज किए हुए यह संभव नहीं हो पाता है, इसलिए यह भी प्रस्ताव लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आधार कार्ड के विषय में चर्चा आई है। गैर सरकारी संगठन के सभी पदाधिकारियों, मुख्य पदाधिकारियों के आधार नंबर प्राप्त करने के प्रावधान के लिए अधिनियम में एक नई धारा 12 का जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि इन पदाधिकारियों की सही पहचान को बाहर लाया जा सके। विदेशियों के मामले में उनकी पासपोर्ट की संख्या या उसका OCI कार्ड संख्या प्रदान की जाएगी। मतलब जो अनुभव किया गया वह यह अनुभव था कि पहचान अपनी छुपाने की कई संस्थाओं ने प्रयास भी किया और उसमें उसने सफलता भी प्राप्त की, और गड़बड़ी का यह कारण भी होता था, उसके मन में कोई भय नहीं होता था, क्योंकि उसकी पहचान स्थापित तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती थी। तो इसमें आधार कार्ड लाकर एक उसकी पहचान को स्थापित किया जा सके, इसके लिए यह प्रस्ताव प्रस्तावित है। इसके लिए विशिष्ट पहचान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI तथा MeitY इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस पर विचार लिया गया और तत्पश्चात यह प्रस्तावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में आज कहा जाता था कि उसके आदेश के अनुरूप नहीं है, या पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फैसले के अनुरूप है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किसी इस प्रकार की विशिष्ट पहचान को स्थापित करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता हो तो एक कानून लाकर यह लागू किया जा सकता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उस आलोक में भी यह प्रस्तावित है, वह कहीं से भी उस आदेश से अलग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसी एसोसिएशन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए धारा 13 के तहत कुछ जांच पड़ताल अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त 6 माह की समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे एसोसिएशनों के FCRA प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण को संभव बनाने हेतु जांच को पूरी करने के लिए 180 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए धारा 13 में एक संशोधन प्रस्तावित। कई बार उपसभापति महोदय 6 महीना में जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती थी, जिसके कारण कई बाधाएं उत्पन्न होती थी, और उस बाधाओं को दूर करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम सभी केसों में ऐसा कर रहे हैं, कुछ जटिल केसे आ जाती है जिसमें ज्यादा समय लगता है, वैसे केस में 180 दिन के बदले अगर 185 दिन लगे, हो सकता है कि 200 दिन लगे, लेकिन अधिकतम इसको लगभग 1 वर्ष की अवधि में पूरा करने का एक प्रस्ताव इसमें प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत उदारीकरण नीति पॉलिसी इसमें प्रस्तावित है। क्या है कि जो NGO सरेंडर करना चाहता था, ये उसकी एक नई धारा 14(क) को जोड़ते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र के स्वैच्छिक अभयपन की अनुमति देना प्रस्तावित है, ताकि उसका वैकल्पिक और नॉन एस्टिग्मैटिक फॉर क्लोजर सुगम बनाया जा सके। पहले क्या होता था कि कुछ संस्थाएं पैसा लेती थी, काम कर देती थी, लेकिन बाद में वह सक्षम नहीं होता था तो चाहता था कि हम इसको सरेंडर कर दें, तो उस स्थिति में बहुत जटिल प्रक्रिया थी, और इतनी जटिल प्रक्रिया थी
कि एक तरह से कहे कि ऐसे संस्थाओं के पांव में जंजीर जकड़ जाता था, कई उलझने पैदा करती थी और वह एक थकान महसूस करता था। उसको उदारीकरण के तहत सरेंडर की जो प्रक्रिया अपनाई गई है 14 का जोड़ते हुए, ताकि उसको एक सरल विधि से सरेंडर कर सके। और उसमें यह भी है कि जब वह सरेंडर करता है तो उसके द्वारा जो भी एसेट तैयार किए गए हों, क्योंकि यहाँ जो अंशदान मिलता है, जो अनुदान अविदाय प्राप्त जो संस्थाएं करती है विदेशों से, उसकी प्रॉपर्टी वह अपनी निजी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, वह पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। इसलिए उसको किसी भी राज्य के किसी भी राज्य में वहाँ के गृह सचिव के अंतर्गत उसको उसके देख रेख और निगरानी निर्णय लेने का उसको प्रावधान भी इसमें निगरानी का प्रावधान किया गया है, तो सुगम से वह अभ्यर्पण कर सके और उसका ठीक से उसकी व्यवस्था हो सके, इसलिए संशोधन प्रस्तावित। एक नवीनीकरण के पहले उपयुक्त जांच के लिए प्रस्तावित है अधिनियम धारा 16 के अंतर्गत एसोसिएशन की पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण से पहले केंद्र सरकार को ऐसी जांच करने जैसा वह उचित समझे में सक्षम बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित। उपसभापति महोदय, होता क्या था कि जब हम किसी का रिन्यूअल करते थे तो उसकी जांच की कि वह 5 वर्षों में वह अपनी गतिविधियां कैसे चलाया, पैसे का उपयोग कैसे किया, कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया, उद्देश्य तो भटका नहीं, तो इसलिए जब उसको उसका जब हम नवीकरण करने की बात करते हैं तो उसके नवीकरण से पहले एक जांच करनी है। वह एक नवीनीकरण यानी कि जब उसका रिन्यूअल करते हैं तो उस जांच को पूरा करने के बाद हम उसको फिर हम लाइसेंस दें, ताकि पीछे अगर कोई गड़बड़िया किया है तो वह भी जांच के क्रम में आ जाए और कहीं किसी को गलत तरीके माने गलत उद्देश्य रखने वाले को लाइसेंस न मिल जाए। इस उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि नवीनीकरण के पहले उपयुक्त जांच की जाए। अध्यक्ष महोदय, 17 के अंतर्गत यह प्रावधान करने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है कि प्रत्येक एसोसिएशन गैर सरकारी संगठन को विदेशी स्रोतों से विदेशी अविधाय प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में भारत उस पर हम बोलेंगे नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की एक निर्धारित शाखा में एक विनिर्दिष्ट FCRA खाता खोलना है। अपनी मर्जी की किसी बैंक शाखा में एक दूसरा FCRA खाता खोलने का विकल्प भी है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के विनिर्दिष्ट FCRA खाते में प्राप्त विदेशी अविदाय को तत्काल ट्रांसफर किया जा सके। साथ ही अपनी मर्जी के एक या उससे अधिक बैंकों में एक या उससे अधिक उपयोगिता खातों के संचालन की अनुमति देना जारी रहेगा, जो पहले से। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यहाँ अपने स्वप्नदास गुप्ता जी भी इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। देखिए, इसका कारण है एक तो कि SBI क्यों, तो एक तो कि सरकारी बैंक है, दूसरा है कि SBI की शाखाएं देश के विभिन्न भूभागों में सबसे ज्यादा है और यूं कहे तो हर जगह है। और इसलिए दूसरा क्या है कि उसमें इतना सरलीकरण है कि इसमें दिल्ली के SBI में बैंक खाता खोलने के लिए उसको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। SBI में खोलने के लिए जो उनके निकटतम SBI की शाखा है वही कागज को जमा करेंगे, वही उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जो खोलने की बैंक खाता खोलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को वही पूरी कर ली जाएगी और वही बैंक यहाँ के बैंक से अकाउंट नंबर प्राप्त कर वहाँ संगठन को वह SBI का बैंक खाता प्राप्त करा देगा, आने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अपने बैंक की शाखा में हम खाता खोलते हैं वही प्रक्रिया है, न दिल्ली आने की जरूरत है और न ही उनको कोई वहां व्यवधान है। दूसरा क्या है कि जो पैसा विदेशों से आएगा तो यहाँ आकर फिर ट्रांसफर जो उनके स्थानीय बैंक में जाएगा उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं, उसके लिए कहीं कोई जटिलता नहीं, सरलता है और उसमें कोई विलंब भी नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो भारी मात्रा में पैसे आते हैं तो यहाँ उसको व्यवस्थित रखने के लिए उसकी जानकारी सरकार को रहे,
इसके लिए एक यह व्यवस्था की गई। उनको उसमें दिक्कत क्या है, बैंक में अगर दिल्ली में विदेशों से जो अविदाय आता है वह आने के साथ साथ ही वह उसके स्थानीय शाखा में स्थानांतरित हो जाएगा, तो न दिल्ली आना है न पैसा आने के बाद वहां ट्रांसफर होने में विलंब होना है। लेकिन सरकार को सुविधा यह होगी कि यह पैसे का ट्रेस, उसकी ट्रैकिंग और उसका उपयोग, उसका मॉनिटरिंग, उसका इस प्रकार की व्यवस्था के लिए यह एक व्यवस्था लाई गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस उद्देश्य से यह है। महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि यह निश्चित रूप से पारदर्शिता लाने वाला यह बिल न एनजीओ के खिलाफ है या न किसी के अहित में है। यह जरूर है कि ऐसी संस्था को जरूर थोड़ा बुरा लगेगा जो पारदर्शिता को नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे एनजीओ जो पारदर्शिता के साथ जिस उद्देश्य से विदेशी अविदाय प्राप्त करते हैं, ऐसे सेवा भाव से जनहित में काम करने वाले ऐसी सारी संस्थाओं को यह सहयोग करने के लिए यह संशोधन है। इसलिए हम माननीय सदस्यों से यह विनती करते हैं कि आप इस संशोधन को, जो एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून के रूप में भी है, इसके उद्देश्य के पूर्ति के लिए भी इस संशोधन को यहाँ पारित करने की कृपा करें।